टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट रोमिंग। तो आज के वीडियो में मैं अनदर साड़ी ड्रेपिंग ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने एक सिंपल से सिल्क साड़ी को बिल्कुल एलिगेंट वे में ड्रेप किया है और इस ड्रेप को कर करके आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर के डांस कर सकते हैं। अगर आप पंडाल ओपन करने जा रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं और बिल्कुल एलिगेंट लग सकते हैं। तो मैं ये ड्रेपिंग ट्यूटोरियल नवरात्रि के स्पेशल ओकेजन पे बना रही हूँ। तो चलिए ड्रेपिंग शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वेयर किया है एक पेटीकोट, आप डीकोट भी वेयर कर सकते हैं। और मैंने ली है एक सिल्क की साड़ी, ये बहुत ही हल्की होती है। तो ड्रेपिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने राइट हैंड साइड से बिल्कुल बेसिक वाला टक करना शुरू करते हैं। जो हमारा ऊपर का पोर्शन है साड़ी का, उसको अपने पेटीकोट के अंदर अच्छे से टकिंग करते जाएंगे और बिल्कुल अपने बेली बटन तक ला करके टक करेंगे साड़ी को। अच्छे से नीटली टक करने के बाद आ जाएंगे साड़ी के पल्लू वाले पोर्शन पे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ साड़ी का आंचल वाला सेक्शन यानी पल्लू वाला सेक्शन। और अब हमें बनानी है यहाँ पे प्लीट्स। तो पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको साड़ी की प्लीट्स बनाना बताया है। तो आप अपनी फोर फिंगर की हेल्प से प्लीट्स बनाती जाइए, या फिर आपके साड़ी में बॉर्डर है तो आप अपने बॉर्डर के इतना बड़ा बड़ा प्लीट्स अपने फिंगर की हेल्प से बनाते जाइए। तो यहाँ पे मैं अपनी फोर फिंगर की हेल्प से प्लीट्स बना रही हूँ। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी डिस्क्रिप्शन में है और आपको यहाँ पे आईडी स्क्रीन पे भी मेंशन हो रही होगी। तो यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ आंचल के हर एक प्लीट्स को अच्छे से अरेंज, और इसे मैं करूँगी अभी अपने लेफ्ट हैंड शोल्डर पे सिक्योर सेफ्टी पिन से। तो अभी मैंने इसे कर लिया है सिक्योर। हमारे जो पल्लू का सेक्शन है वो बिल्कुल फ्लोर टचिंग है। अब आ जाएंगे फ्रंट प्लीट्स पे, हमारे शोल्डर वाले प्लीट्स की तरह ही होगा। फोर फिंगर की हेल्प से लेकर के यहाँ पे अपनी छोटी छोटी प्लीट्स बनाते जानी है। और जो सबसे लास्ट वाली प्लेट होगी हमारी फ्रंट प्लीट में, वो थोड़ी ज़्यादा चौड़ी होगी ताकि जब हम साड़ी का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो अपने बेली बटन के साइड में टक इन करेंगे तो वो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर ज़्यादा ना बचे। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे लास्ट वाली प्लेट है वो थोड़ी चौड़ी बनाई है मैंने। अब मैं इसे कर रही हूँ अपने बेली बटन की साइड में अंदर अच्छी से टक। आप चाहे तो यहाँ पे सेफ्टी पिन से भी सिक्योर कर सकते हैं, बट सिल्क साड़ी में आप जितना कम सेफ्टी पिन यूज़ करें उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अब आते हैं साड़ी के पल्लू वाले सेक्शन पे। यहाँ पे मैंने पल्लू को कर लिया था लेफ्ट हैंड शोल्डर पे सिक्योर सेफ्टी पिन से, बट अभी मैं सेफ्टी पिन ओपन करके अपने ब्लाउज से हटा करके अपने साड़ी के फैब्रिक में सेफ्टी पिन लगा रहने दूंगी। बस मैंने ब्लाउज से सेफ्टी पिन को हटा दिया है ताकि अभी जब मैं पल्लू अरेंज करूं तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हो, साड़ी जो प्लीट्स है वो सारी एक साथ रहे। तो पहले मैंने आगे से पीछे की तरफ पल्लू लिया था, लेकिन अभी मैंने पिन को खोल करके पल्लू को पीछे से आगे की तरफ ले लिया है। तो अभी आप वीडियो में क्लियरली देख पा रहे हैं। अब मैंने इसे कर लिया लेफ्ट हैंड शोल्डर पे सिक्योर सेफ्टी पिन से, और साड़ी के जो आंचल का फैब्रिक है उसके एक कोने को पकड़कर इसे मैं आगे की तरफ टाइटली लेकर के आऊँगी। और जहाँ पे मैंने फ्रंट प्लीट्स को अंदर टक इन किया था वहीं पे मैं इस आंचल के एज को भी अच्छे से टक इन कर लूँगी। आप चाहे तो सेफ्टी पिन से भी सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आंचल के फैब्रिक को अपने वेस्ट के राउंड करके अपने बेली बटन के पास टक इन कर लिया है और फ्रंट प्लीट को अच्छे से कर लिया है अरेंज। तो अभी मैं आपको कंप्लीट लुक दिखाती हूँ कि ये सारी ड्रेपिंग मुझ पर कैसी लग रही है। इस नवरात्रि पे आप गरबा नाइट्स पे ये सारी ड्रेपिंग ट्राई कर सकते हैं और बिल्कुल अलग लग सकते हैं और एलिगेंट लग सकते हैं। तो होप सो आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये ड्रेपिंग कैसी लगी। आप लोग भी इस नवरात्रि ये सारी ड्रेपिंग ट्राई कीजिए और गरबा में ये सारी ड्रेप कीजिए। आई एम रेडी एंड गुड टू गो। होप सो आप लोगों को आज की ये ड्रेपिंग ट्यूटोरियल वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये ड्रेपिंग ट्यूटोरियल अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑल।